उपजा कौन भले कौन मंदे, गुलाब का फूल खिल रहा है, सुहावनी सुंदर सुगंध दे रहा है। फूल को तो हमने प्यार किया, लेकिन कांटों को देखकर हमने इमली खाई। लेकिन बुद्धिमान देखेगा कि जिस रस ने फूलों को जीवन दिया है, क्या उसी रस ने कांटों को नहीं जीवन दिया है? ऐसे ही जिनको बोध हो जाता है, उनके लिए शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख और दुख, लाभ और हानि एक ही सत्ता से सींची हुई ये सुवास फैलाने वाली विश्व वाटिका है, उसके चित्त में शोभ नहीं होता। और जिसके चित्त में शोभ नहीं होता, उसके चित्त से नित्य नूतन आनंद बरसता रहता है। जिस आनंद को पाकर वो तृप्त हो जाता है। उपनिषद कहती है सतृप्तो भवति अमृतो भवति सतरति लोकान् तारयति। वह तो तरता है लेकिन औरों को भी तार लेता है। मनुष्य में ये शक्ति है कि वो जीवन बने के पहले जीवन दाता की मुलाकात कर सकता है, लेकिन इन वासनाओं के कारण, तुच्छ पकड़ों के कारण, दुराग्रहों के कारण, नौकरी नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, बीड़ी नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, चाय नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा, लेकिन अपने आप की खबर नहीं मिलेगी तो करोड़ों बार मर जाएगा, ये बात तो पक्की कर ले यार। कहवत छे गुजराती मां, चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, दार बगड़ी तो दिवस बगड़ो, अथाणू बगड़ू वर्ष बगड़ू, बैरू बगड़ू जिंदगी बगड़ी। पर आशाराम एक वधारानी बात कहे, जो समझ बगड़ी तो 84 बगड़ी लिया, भले दाल बगड़ती भले बैरू बगड़ी गयो वांधो नहीं, पण तमारी समझ ना बगड़े, तमारी समझ ना बगड़े तो बैरू काका कई सुधरशे। लो जय श्री कृष्ण कही दो। दंडी स्वामी वेद धर्म पंडित की प्रशंसा सुनी थी कि वो गृहस्थी जीवन जीते हैं लेकिन परमात्मा से तार जुड़ी है, अपना आत्मा और परमात्मा की दूरी मिट गई है, घड़े के आकाश और महाकाश के बीच का जो भेद है उनका हट गया है, उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। मैं तो दंड लेकर घूमता हूं, सन्यासी हूं, काफी मेरे चेले हैं, लेकिन दुनिया भर के सब व्यक्ति एक आदमी के चेले हो जाए तभी भी सत्य का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जय श्री कृष्ण कही दो। दुनिया भर के सब आदमी एक आदमी के शिष्य हो जाए फिर भी उसने साक्षात्कार किया है कि प्रभु में है, ये कहना संभव नहीं। और सारी दुनिया के लोग एक व्यक्ति को धुतकारते हो और हो सकता है कि वो महान हो, ऐसा भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सब लोग प्यार करते हो, सचमुच में उसने प्यार तत्वों को पा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं दंडी सन्यासी तो हुआ लेकिन जिसके लिए मैंने सन्यास लिया वो काम अभी मेरा पूरा न हुआ। और ये वेद धर्म पंडित भले गृहस्थी में रहते, 3 बच्चे हैं इनके, मैंने सुना है इनकी खबरें, महाराज उनके चित्त में थोड़ा सा आकर्षण हुआ, लेकिन बाहर का मैं और मेरा, मैं अरु मोर तोर की माया बशकर दीनी जीवन काया, दंडी सन्यासी मारो मोभो, अरे त्या चालीन गृहस्थी ना घरे जवाय केवी रीते, आ पूछड़ू बहु नड़े। जय श्री कृष्ण कही दो। लेकिन आखिर उन्होंने हिम्मत की, निश्चय किया कि कल 4 बजे जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। उनके चित्त का निश्चय और पंडित के चित्त में स्पूर्णा हुई। जैसे पेस एक ही है ना, यहाँ रिंग करते और अमेरिका में बजती है कि एकता है, उसलिए ऐसे चित्त भी जब थोड़ा सूक्ष्म होता है ना तो दूसरे के चित्त में सजातीय संस्कार टेलीपैथी जिसको कहते हैं ऐसा हो जाता है। पंडित बेचारा गरीब था, उसने पड़ोस से कुछ चादर वादर तकिया वकिया लाके बाप जी को शोभा दे ऐसा एक आसन बनाना शुरू। लेकिन मिसेस पंडित बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक, शेर की दे, सवा शेर की, डेढ़ शेर की, कभी दो दो शेर की दे दे। पटेल लोग तो क्या दे रहे, उससे भी 2 कदम आगे। जय राम जी की। पटेलों को वरदान तो है लेकिन वो उस महिला को स्पेशल वीआईपी को टका माल था, पंडित को महाराज दे धमाधम। वो बाबा जी आ रहे थे, बाबा जी ने देखा जो एक अपनी पत्नी को नहीं सुधार सका उसको परमात्मा की चालक का पता चल गया है, ऐसा लोग भक्ते हैं खाली। बाबा जी उस पंडितानी का जो रोष पंडित पर बरस रहा था
उस रोष को देखकर बाबा जी ने पीछे कदम उठाए। पंडित भागा, पैर पकड़ लिए कि महाराज आप कई दिन से सोच रहे थे इस दास के घर आने को, और कल 4 बजे आपने निर्णय किया था, और तब से मैंने उधारी चदरिया लेकर गद्दी बनाई है, और महाराज आप जा रहे। बोले जा उसलिए रहा हूं भैया कि तेरी पत्नी तेरे साथ रहती है। बाबा जी ने एक पॉइंट ये भी कही थी कि साथ में होते हैं तो उतना आदर नहीं होता है और दूर होते हैं तो आकर्षण होता है। उस बात को मैं अपने ढंग से कह रहा हूं। जयराम जी की। भगवान को देखकर गरुड़ को मोह हो गया, लेकिन भगवान की चर्चा सुनकर गरुड़ को श्रद्धा हो गई और मोह दूर हो गया। ऐसे ही रुक्मणी जी को, सुदर्शन को, औरों को भगवान का सानिध्य पाकर कभी कभी थोड़ा ऐसा हो जाता था, और जब सत्संग मिला तो फिर ठीक हो जाते थे। सत्संग बड़ी चीज है। कई संत तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी सत्संग ज्यादा ऊंचा है, और भगवान दर्शन देंगे तभी भी तो अंतिम कृपा करेंगे, तो अगर ऑर्डिनरी कृपा किया तो आपकी जो वासना है वो आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा एवं मस्तु, पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, यश की इच्छा, हाँ कह देंगे। अगर भगवान बहुत प्यार करेंगे और आप बोलेंगे भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो वही दीजिए, तो भगवान बोलेंगे फिर बैठो गीता सुनो, अथवा राम जी होंगे तो हनुमान जी को कहेंगे उपनिषद सुनो। सत्संग, शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को जाते, सत्संग की बड़ी बलियारी। तो पंडित ने कहा कि महाराज चलिए सत्संग करेंगे। बोले तुम्हारे सत्संग के से तो तुम्हारी औरत भी नहीं सुधरी वरी, यार हमारे को क्या सुधारेगा। जयराम जी की बोल दो, तुम्हारी मिसिस तुमको गालियां दे रही है, जैसे तुकाराम की मिसिस चिलड़ी का गन्ना दे मारा पीठ पे, तुकाराम बोलते बहुत चतुर है, 2 टुकड़े कर दिया, आधा तेरा और आधा मेरा। विरोध का प्रसंग तो आता है, दुख का प्रसंग तो आता है, लेकिन चित्त में शोभ नहीं होता है, उसी का नाम संत। धन्य है तुकाराम महाराज। ऐसे पंडित भी बड़े स्थिति प्रज्ञ थे। उसने कहा कि महाराज पंडितानी शेर की दो शेर की, आप समझ गए ना, शेर डेढ़ शेर दो शेर की, आप समझ गए ये बात। इन बात को तो जल्दी समझते, लेकिन जो मैं समझाना चाहूं वो समझ लो आप। मैं समझाना चाहता हूं तुम ऐसा समझो कि जहां फिर समझ का कोई जरूरत नहीं, ऐसा पालो कि पाने की कोई जरूरत नहीं, और ऐसा देख लो कि फिर देखने की कोई गुलामी नहीं। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालेत। जिसको पाकर जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी चित्त चलित नहीं होता है, ऐसे तुम्हारे चालक को पहचान लो। मैं इतना कहना चाहता हूं, और वो चालक दूर नहीं है। और जैसे मशीन को तोड़फोड़ करना पड़ा, ऐसे इस मशीन को तोड़फोड़ नहीं करनी है, केवल अंदर गोता मारना है। दुख आ जाए उस समय देखो दुख किसको हुआ, भय आ जाए उस समय देखो भय किसको हुआ, चिंता चूर करने लगे तो देखो चिंता किसको हुई, मन को हुई, चित्त को हुई। चिंता नहीं थी उस समय भी कोई था, चिंता है उस समय भी कोई है, और चिंता चली गई उस समय भी कोई है। जो है वही तो यार चालक है, उसमें खड़े हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। वो दूर की चीज नहीं, कठिन नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि भगवान को पाने के लिए 25 साल चाहिए, कोई जरूरी नहीं। 15 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 50 साल चाहिए, कोई जरूरी नहीं। लग जाए दाव तो महाराज घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते बेड़ा पार हो सकता है। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। धन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में जग करा, नदी पलक सागर में आई वृति अगम अथाह की, नदी पलक सागर में आई वृति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुना।